कांग्रेचुलेशंस गाइस, मतलब हम मिले थे लास्ट टाइम जब जस्ट शो लॉन्च हो रहा था, आप इंट्रोड्यूस कराया प्रोड्यूसर सर ने, एंड अब जो है धमाकेदार टीआरपी आई है, टॉप 5 में शो है, कैसी फीलिंग है हर्षद एंड प्रणाली? हम लोगों के लिए कुछ नहीं बदला है, when it started, I think it was, same, it's the same. हम लोग वैसे ही लगे हुए हैं, and हाँ मिठाइयाँ बढ़ रही हैं. ओके, और कहानी स्टोरी की बात करें तो अक्षरा मतलब अपनी बहन के लिए इतना सोच रही कि प्यार को भी कुर्बान कर दिया, क्या किस तरह से ट्रैक, आई थिंक फैंस आर लविंग दिस ट्रैक. या आई मीन अक्षरा हमेशा से अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार, उसे पता है कि बचपन में वो एक्सीडेंट जो हुआ था सीरत माँ के साथ वो मुझे ही ब्लेम करती है, और उसके बाद से कभी उसने मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की. तो अब जब जाके अभी रिसेंटली जो हमारा तिलक वाला सीक्वेंस था वहाँ पर वो मुझसे अच्छे से बात करने लगी थी कि ये सब हो गया, तो मैंने कहा कि वो दो पल की खुशी मेरे लिए बहुत कुछ है, बहन है तो. अभिमन्यु का क्या हाल है अभी, मतलब प्यार को पाना काफी अड़चने आ रही है अभिमन्यु? अब अभिमन्यु के लिए ऐसा था ना कि ये सब उसने भी कभी रियलाइज नहीं किया था, हुआ तो अचानक से बहता गया, और मतलब इतना फ्री, इतना विदाउट ना कंडीशनिंग और बाउंड्रीज, पहली बार शायद निकल के आया था, और अभी ही इज गॉन बैक टू हिज किला, ही इज रूलिंग देम. अच्छा, रिसेंटली एक अमेजिंग हमने प्रोमो देखा जहाँ एक दोनों का रोमांटिक ट्रैक सीक्वेंस है, पर्दे है दोनों, यू नो जरूर सपना होगा. हाँ, इट वाज वेरी नाइस, क्या कहेंगे, काफी फैंस काफी खुश हुए थे उस वक्त, रिस्पांस काफी अच्छा है. एक्चुअली आई थिंक शूटिंग क्वालिटी की तो सभी बात कर रहे हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग शो राइट नाउ, एंड क्या ही बोले, इतने खूबसूरत लोग हैं फ्रेम में, अच्छा तो दिखेगा ही सब. तो पर हम भी बहुत ही खुश हुए थे वो देख के, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई वाज लाइक वाओ, बट टच वुड, लोगों को पसंद.